मूवी की स्टार्टिंग में हम क्लेयर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो घर में केरोसिन डालकर घर को जला देती है। इस आग में घर का ओनर भी जल जाता है, पर क्लेयर को पता नहीं था कि घर के अंदर ओनर था। एक्चुअल में क्लेयर का लैंडलॉर्ड था। क्लेयर और उसकी फैमिली एक अलग घर में रहती थी, पर घर की कंडीशन अच्छी ना होने की वजह से वहां पर भी आग लग गई थी और क्लेयर की फैमिली की इसमें डेथ हो गई थी, और इसी वजह से बदला लेने के लिए आज क्लेयर ने ऐसा किया था। अब इसके बाद 11 साल बाद का सीन हमें दिखाया जाता है और पता चलता है कि क्लेयर अब जॉब करने लग गई है। किसी काम की वजह से होटल में आई हुई थी। होटल में क्लेयर पूल में नहाने के लिए जाती है। वो अचानक से एक लड़की आके और वो अपने पूरे कपड़े क्लेयर के सामने निकाल देती है। नेकेड ही वो नहाने लग गए। इस बात से क्लेयर अनकंफर्टेबल होकर वहां से चली जाती है। क्लेयर के बॉस को एक बिल्डिंग बाय करनी थी, इसलिए क्लेयर उसे ढूंढने लग गई। जिस बिल्डिंग के बारे में क्लेयर सोच रही थी उसके बारे में अपने बॉस को बताना चाहती थी। क्लेयर ये प्रपोजल लेकर जब एरन के पास जाती है तो ये प्रपोजल आगे बढ़ाने से एरन मना कर देता है। वो कहता है कि बॉस इस बिल्डिंग में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। एरन इस कंपनी का एग्जीक्यूटिव मैनेजर था। उसका बिहेवियर केरन की तरफ स्टार्टिंग से ही बहुत ही रूड था। उनमें कोई झगड़ा नहीं हुआ था, फिर भी वो शायद उसे लाइक ही नहीं करता था। हमेशा क्लेयर की बातों को जानबूझकर वो इग्नोर किया करता था। क्लेयर इस बात से नाराज हो जाती है और लिफ्ट में डाउन फ्लोर पर जाती है। जाते हुए अचानक से उसके बॉस स्कॉट उसे लिफ्ट में मिले। साथ में वो दोनों डाउन फ्लोर पर जा रहे थे। क्लेयर फिर डिसाइड कर लेती है कि यही पर उस बिल्डिंग के बारे में अपने बॉस को बता देगी। हिम्मत जुटाकर उसने सब कुछ बता दिया। स्कॉट अगले दिन मॉर्निंग में आकर उसे आइडिया बताने के लिए कहते हैं। इस बात से क्लेयर को बहुत अच्छा लगता है। जॉब खत्म हो जाने के बाद क्लेयर शाम में एक बार के पास से गुजरती है। वहां पर काफी कपल्स थे। उन्हें देखकर क्लेयर को लगता है कि उसे भी डेट करना चाहिए। वो डेटिंग ऐप पर लड़कों को स्क्रोल कर रही थी। अचानक से उसके सामने एक हैंडसम लड़के का फोटो आता है। वही लड़का उसके सामने था। कार में बैठकर कुछ लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था। क्लेयर फिर डायरेक्टली उसे बात करने के लिए जाती है। उस लड़के का नाम आर्लो है। वो एक पुलिस ऑफिसर था जो इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां पर बैठा हुआ था। बात करते हुए दोनों बार में जाकर ड्रिंक करते हैं। वहां पर क्लेयर ने उस रात जो लड़की देखी थी वही फिर से उसे देखती है। थोड़ी देर बाद उस लड़की से जाकर वो बात करने लग गए। एंड में आर्लो के जाने के बाद क्लेयर अकेली पुल की तरफ जाने लगती है। अचानक से पुल के लाइट्स ऑफ होने लगते हैं। वहां पर वही लड़की आ गई। उसका नाम था ईव। क्लेयर को पीछे से पकड़कर सीड्यूस करने लगती है। क्लेयर भी इस बात को एंजॉय करती है। वो दोनों फिर रात में इंटीमेट हो गए। अगली सुबह क्लेयर अपने ऑफिस में पहुंचकर अपने बॉस के पास उस बिल्डिंग को बाय करने की बात करने के लिए जाती है। इसमें बॉस एरन को चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई। क्लेयर के पास बहुत ही अच्छा प्लान था। शाम को स्कॉट और क्लेयर उस बिल्डिंग में जाते हैं। वहां पर वो बिल्डिंग चेक करने लगते हैं। स्कॉट बिल्डिंग के ओनर से बात करता है और क्लेयर बिल्डिंग की फोटोज ले रही थी। स्कॉट ने इसे बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व किया। एंड में वो बिल्डिंग उसे बहुत पसंद आती है। सब देखने के बाद वो तुरंत इसे खरीदने का डिसाइड कर लेता है। इस बात से क्लेयर बहुत ही खुश थी। इसके बाद स्कॉट और क्लेयर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। उसी रेस्टोरेंट में क्लेयर के फादर काम किया करते थे। बातों बातों में क्लेयर अपनी फैमिली की पूरी स्टोरी उसे बताती है। ये सुनकर स्कॉट को भी दुख होता है। वो अपनी तरफ से क्लेयर को मोटिवेट करता है, उसके वर्क को अप्रिशिएट करता है। उस रात भी क्लेयर और ईव ये साथ में सोते हैं। क्लेयर के मन में अपनी फैमिली की यादें घूमने लग जाती है। वो ईव को भी अपनी स्टोरी सुनाती है। ईव उसे समझाने की कोशिश करती है और बताती है कि सबके बारे में तुम्हें नहीं सोचना चाहिए, इससे तुम्हें अब आगे बढ़ना चाहिए। क्लेयर रोने लग गई और ईव उसे सहारा देती है। लास्ट डे की वर्क की वजह से कंपनी में सब लोगों को पता चल जाता है कि क्लेयर ने एक अच्छा प्रोजेक्ट बॉस को सजेस्ट किया है। इससे क्लेयर के बारे में कंपनी में बात होने लग जाती है। ये बात एरन तक भी पहुंच गई थी। अगले दिन सुबह एरन क्लेयर से मिलने के लिए आता है। वो क्लेयर से बेइज्जती करते हुए बात कर रहा था। वो इनडायरेक्टली उसे धमकी दे रहा था कि इस कंपनी से उसे वो निकाल देगा। क्लेयर को समझ में नहीं आता कि एरन उसके पीछे क्यों पड़ा है। नेक्स्ट हम रात का सीन देखते हैं जिसमें क्लेयर और ईव इंटीमेट हो रहे थे। सुबह क्लेयर अपने जॉब के लिए जाने लगती है। उन दोनों ने अब रियलाइज कर लिया था कि एक दूसरे से वो प्यार करने लग गई है। क्लेयर ने ईव से कहा कि अब मैं फाइनली अपनी लाइफ से खुश हूँ। वो अब एक माइलस्टोन पर काम कर रही है। ईव भी कहती है कि तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूँ। क्लेयर अपने कंपनी में गई, शाम को सारे काम कंप्लीट किए और घर के लिए निकलने लगती है। उसी वक्त स्कॉट उसे बुलाता है, उसे कुछ प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है और सब कुछ पूछने के बाद एंड में एक पार्टी के लिए इनवाइट करता है। ये पार्टी स्कॉट ने अपने घर पर रखी थी। क्लेयर आने के लिए हाँ कहती है। क्लेयर रात में अपने एक कलीग के साथ उस पार्टी में गए। जाते ही स्कॉट उसे बात करने लगता है, उसे अपनी वाइफ से मिलाता है। उसकी वाइफ को देखकर क्लेयर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज थी, क्योंकि उसकी वाइफ और कोई नहीं तो ईव ही थी। ईव ने क्लेयर को उसके हस्बैंड के बारे में कुछ भी बताया नहीं था। क्लेयर को लग रहा था कि ईव सिंगल है। इसके बाद क्लेयर ईव को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। बाद में पार्टी खत्म होने के बाद क्लेयर गुस्से में ही वहां से निकल जाती है। कार में अपने कलीग के साथ जाते हुए उसे पता चलता है कि उसके बॉस स्कॉट की पहले एक वाइफ थी जो अचानक गायब हो गई थी। किसी को उसके बारे में पता नहीं चला था। कहां चली गई इसके बारे में भी किसी को पता नहीं था। क्लेयर के लिए बहुत ही शॉकिंग था। अब क्लेयर को फिर से ड्रामा होने लगता है। वो सहन नहीं कर पाती कि ईव ने उसे धोखा दिया।
गुस्से में अपने हाथों को जलाने लगती है। उस टाइम उसे ईव का कॉल भी आता है, पर कॉल को उसने इग्नोर कर दिया। क्लेरी उसे मिलना भी नहीं चाहती थी, उसका कॉल भी रिसीव नहीं करती। एंड में हार कर ईव को खुद से उसे मिलने के लिए आना पड़ता है। क्लेरी उसे देखकर गुस्सा हो जाती है। क्लेरी उसे कहती है कि अब मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। ईव उसे कहती है कि तुम्हारा ये समझना गलत नहीं है, पर उसे अपने रिलेशनशिप के बारे में बताती है। वो कहती है कि मैं स्कॉट की वाइफ तो, पर हम दोनों में अच्छे रिलेशनशिप अब नहीं रही। वो अब उसे प्यार नहीं करती, वो क्लेयर को ही पसंद करती है। इसके बाद क्लेयर थोड़ा सा शांत होती है। वो फिर बिना कुछ जवाब दिए वहां से चली जाती है। क्लेयर को शाम को उसके बॉस स्कॉट का कॉल आता है। वो जल्दी से एक शिप पर बुलाता है। क्लेयर वहां पर चली गई। स्कॉट उसे बात करता है, कहता है कि उसकी पहली वाइफ बहुत ही अच्छी थी, उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती थी, बहुत ब्यूटीफुल थी। बातों बातों में वो क्लेयर को ये नहीं बताता कि उसकी वाइफ गायब हो गई है और कैसे गायब हुई। हम रात में देखते हैं क्लेव और ईव एक साथ थे और इंटीमेट हो रहे थे। इसका मतलब है दोनों में अब सब कुछ ठीक हो गया था। दोनों होटल के लिफ्ट के पास किस भी करते हैं। इस बात से वहां पर एक लेडी अनकंफर्टेबल हो जाती है। नेक्स्ट सुबह हम कंपनी में स्कॉट को गुस्से में देखते हैं। वो कॉल पर अपनी वाइफ ईव से गुस्से में बात कर रहा था। इसे क्लेयर डर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि ईव और क्लेयर के बीच के रिलेशनशिप के बारे में स्कॉट को पता चल गया होगा। स्कॉट इसके बाद गुस्से में वहां से चला जाता है। क्लेयर इसके बारे में सोचने लगती है। शाम में क्लेयर को स्कॉट का मैसेज आता है जिसमें स्कॉट ने लिखा था कि उसे सब कुछ पता चल गया है। इसी वजह से स्कॉट को समझाने के लिए क्लेयर उसके घर पर गई। स्कॉट के घर में बहुत ही अंधेरा था, शायद स्कॉट वहां पर नहीं था। घर के अंदर वो स्कॉट को बुलाते हुए जाती है, लेकिन उसे वो कहीं पर भी नहीं मिलता। इसके बाद वो वहां से चली गई। हमें व्यूअर्स को समझ में आता है कि दीवारों पर खून का निशान थे। इसे क्लियर हो जाता है कि किसी को यहाँ पर मारा गया था। नेक्स्ट डे स्कॉट ऑफिस नहीं आता। सब सोचने लग जाते हैं कि स्कॉट कहाँ पर है। उसी वक्त एरन क्लेयर के पास आता है। उसे अपने पहले बिहेवियर के लिए सॉरी कहता है। उसे कहता है कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो ऐसा रूड बिहेव कर रहा था। ऑफिस में फिर बार्कर नाम का एक डिटेक्टिव आया जो स्कॉट के बारे में जानने के लिए आया था। बार्कर क्लेयर को स्कॉट के बारे में पूछता है क्योंकि लास्ट स्कॉट को मैसेज क्लेयर नहीं किया था। क्लेयर पिछली रात स्कॉट के घर पर भी गई थी। तभी वहां पर आर्लो भी आ जाता है क्योंकि वो भी इस केस में इन्वेस्टिगेट कर रहा था। आर्लो वहां पर क्लेयर को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। क्लेयर अपनी क्लेरिफिकेशन देते हुए कहती है कि स्कॉट से उसे कुछ काम था और इसी वजह से रात में उसे मिलने के लिए गई थी, पर स्कॉट वहां पर नहीं था। बार्कर कहता है कि स्कॉट ने तुम्हें घर पर नहीं बुलाया था, पर फिर भी तुम वहां पर गई क्यों। क्लेयर इसके लिए कुछ वैलिड रीजन नहीं दे पाती। क्लेयर को फिर जाने दिया जाता है। पूरे ऑफिस में स्कॉट के मिसिंग होने की न्यूज फैल जाती है और सब वंडर करने लगते हैं कि स्कॉट कहाँ पर गया। क्लेयर फिर ईव को कॉल कर कहती है कि स्कॉट मिसिंग है, क्या उसे हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता था। इस पर ईव कहती है कि उसे इस बात के बारे में नहीं पता था। क्लेयर और ईव की कॉल की बातें उनकी कलीग थोड़ा सा सुन लेती है। स्कॉट के मिसिंग होने की वजह से क्लेयर पर ही शक होने लग गया। अब नेक्स्ट सीन में हम आर्लो और पार्कर को बात करते हुए देखते हैं। वो लोग स्कॉट के पहले शादी के बारे में बात कर रहे थे, ये उसकी वाइफ किस तरीके से गायब हुई थी। उन्हें पता चलता है कि ईव के भी स्कॉट से शादी किए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। रात में क्लेयर से मिलने के लिए ईव आती है। उसे कहती है कि तुम ज्यादा डरो मत। उसने कहा कि पुलिस ऑफिसर कुछ ज्यादा नहीं करेंगे, उसे दिलासा देती है। नेक्स्ट डे क्लेयर को इंटरोगेट किया जाता है। इसमें पार्कर और आर्लो दोनों मिलकर उसे सवाल पूछते हैं। ज्यादातर गुस्से में पार्कर ही उसे क्वेश्चन पूछ रहा था। डर में आकर क्लेयर उन दोनों को अपने और ईव के रिलेशनशिप के बारे में बता देती है। वो कहती कि स्कॉट की मिसिंग होने में उसका कोई भी हाथ नहीं है, शायद स्कॉट को भी उनकी रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया था। अब पार्कर इतनी इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद काफी गुस्से में सवालों को पूछ रहा था। क्लेयर डर कर रोने लगती है और इंटरोगेशन वहीं पर खत्म हो जाती है। क्लेयर वहां से अपने घर पर जाती है और स्कॉट के मिसिंग होने के बारे में सोचने लगती है। तभी उसे एक फ्रेंड का कॉल आता है। उसे कहता है कि तुम्हें अरेस्ट करने के लिए दो पुलिस ऑफिसर निकल पड़े हैं, ये आर्लो और पार्कर ही थे। इसका रीजन था कि स्कॉट के मिसिंग होने की जगह पर यानी कि उसके घर से क्लेयर के बालों का सैंपल मिला था, इसी वजह से उसे अरेस्ट किया जा रहा था। ये न्यूज सुनते ही क्लेयर जल्दी से एक्शन लेती है, अपना सामान पैक करती है और वहां से भाग जाती है। तब तक वहां पर दोनों पुलिस ऑफिसर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन समहाउ क्लेयर चालाकी से उन दोनों से बचते हुए वहां से निकल गई थी। अब क्लेयर को ईव पर शक होने लगता है क्योंकि उसके साथ इंटरोगेशन नहीं हुआ था। क्लेयर अब ईव के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए होटल रूम में जाती है, जिसमें उसका होटल का एक फ्रेंड उसे हेल्प करता है। वहां जाकर क्लेयर ईव का कबर्ड चेक करती है, इसे उसे काफी सारे बिल्स मिलते हैं। ये ईव ने स्कॉट के बैंक अकाउंट से किए थे। ईव ने सारे ट्रांजेक्शन स्कॉट को मारने के कुछ दिन पहले किए थे। ये ईव के खिलाफ डायरेक्टली सबूत था। उसका मोटिव भी इसमें क्लियर हो रहा था कि ये सब उसने सब पैसों के लिए किया है। क्लेयर उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ये ईव को पता चल जाता है। तब तक क्लेयर उसके रूम में पहुंच गई थी। वो जल्दी से अपने रूम से एक चाकू लेकर आती है। ईव तभी अपने सामने क्लेयर को देखती है।
जो कि उसे कहती है कि तुमने स्कॉट को मारा है। अब इव क्लेयर को चाकू मारने वाली थी। इससे बचकर क्लेयर सारे बिल्स वगैरह लेकर वहां से भाग जाती है। बाद में कार्ड से क्लेयर को पता चलता है कि उसने जो बिल्डिंग स्कॉट को सजेस्ट की थी, उस बिल्डिंग के ओनर को कस्टमर लाने की बात भी किसने की होगी। इसलिए ओनर को कॉल करती है, इव का नाम लेती है। क्लेयर शॉक हो जाती है कि इसमें भी इव इन्वॉल्व थी। ओनर से बात करने वाली इव ही थी या नहीं ये कंफर्म करने के लिए सीसीटीवी चेक करती है। इसमें उसे पता चलता है कि पहले दिन जो लेडी फोन पर बात कर रही थी वो इव ही थी। इस बिल्डिंग को इव ने अपने नाम पर कर लिया था। ये सब बात अब क्लेयर पुलिस ऑफिसर को बताना चाहती थी। तभी ऑफिसर्स को पता चलता है कि स्कॉट की डेड बॉडी मिली है, वो भी उसी बिल्डिंग के फायर चेम्बर में। स्कॉट की आधी जली हुई बॉडी वहां पर मिलना बहुत ही शॉकिंग था। इसके बाद आर्लो इस केस पर बहुत ही ध्यान से काम करने लगता है। आर्लो जब केस को वापस स्टडी करता है तब काफी सारी बातें पता चलती है। इससे अब क्लियर हो रहा था कि स्कॉट को किसने मारा होगा। आर्लो क्लेयर से मिलता है जो उसके कांटेक्ट में ही था। क्लेयर आर्लो से कहती कि मैंने स्कॉट को नहीं मारा, पर ईव इसमें इन्वॉल्व थी। ईव ने स्कॉट को मारने से पहले उसके अकाउंट से बहुत सारे पैसे निकाले थे। इसका उसके पास प्रूफ भी था। आर्लो इस पर कहता है कि इसमें पार्कर भी इन्वॉल्व है। असल में स्कॉट की फर्स्ट वाइफ बहुत ही रिच थी। इसकी डेथ में स्कॉट भी इन्वॉल्व था, उसी ने शायद उसकी वाइफ को मारा था। उस केस की इन्वेस्टिगेशन पार्कर देख रहा था। पार्कर एक पुलिस ऑफिसर है और उसने कवर अप करने के लिए स्कॉट को हेल्प की थी। पार्कर की वाइफ बीमार थी और इसी वजह से पैसों की उसे जरूरत थी और स्कॉट ने उसे हेल्प किया था। स्कॉट को बहुत सारे पैसे मिल गए, पार्कर की वाइफ का भी इलाज हो गया और स्कॉट की वाइफ का केस क्लोज करवा दिया गया। सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करने के बाद स्कॉट ने ईव से शादी कर ली थी। अब ये लोग क्या प्लान कर रहे थे ये सिर्फ पार्कर ही बता सकता था। आर्लो एक प्लान बनाता है। इसमें क्लेयर पार्कर को कॉल करती है और एक जगह पर मिलने के लिए बुलाती है। इसके लिए पार्कर मान जाता है। शाम को पार्कर जब अपने कार से क्लेयर से मिलने के लिए निकला तब आर्लो और क्लेयर उसके पीछे कार से आ रहे थे। वो देखते हैं कि पार्कर कहीं और आ गया। इसके बाद वो दोनों गाड़ी से निकलते हैं। पीछे से पार्कर गन लेकर आ जाता है, आर्लो को शूट कर मार डालता है। पार्कर ने इसके बाद क्लेयर को पकड़ लिया। वहां पर ईव भी थी। पार्कर अब ईव को क्लेयर को मारने के लिए कहता है, ईव ऐसा नहीं कर पाती। तभी वहां पर एरन आ जाता है। आग में क्लेयर ने जिस लैंडलॉर्ड को मार दिया था, एरन उस लैंडलॉर्ड का बेटा था। वो बदला लेने के लिए क्लेयर का पीछा कर रहा था और मौका देखकर उसे मारना चाहता था। एरन जब क्लेयर को मारने की कोशिश करता है तो क्लेयर वहां से बचकर भागने लगती है। उसके पीछे एरन उसे पकड़ने के लिए आता है, लेकिन क्लेयर उसे शूट कर मार देती है। तभी वहां पर पार्कर आता है, वो क्लेयर को शूट करने वाला था। तभी उसे पीछे से ईव मार डालती है। ईव ने क्लेयर को बचा लिया था, कहती कि मैंने तुम्हें धोखा दिया पर मैं तुमसे एक्चुअल में प्यार करती हूँ। अब क्लेयर को किसी पर भी भरोसा नहीं था, इसलिए ईव को गोली मार देती है। वहीं पर ईव की डेथ हो गई। अब लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्लेयर को बहुत सारे पैसे मिल गए क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट से ही पार्कर ईव के साथ मिलकर काम कर रहा था। एक पुलिस ऑफिसर ने क्लेयर को मारने की कोशिश की और इसी वजह से क्लेयर को सेटलमेंट मिलती है। एंड में अब क्लेयर कहती है कि प्यार आग से ज्यादा खतरनाक है। और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।